Hi everybody, here comes our third topic. There is topic number 5.3. ये जो topic है, that is laws of electromagnetic induction, laws of EMI बोलते हैं इसको. ओके ये जो टॉपिक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हम डिस्कस करेंगे दो लॉस. ओके उसमें से पहला लॉ ये है फैराडेज लॉ, और दूसरा लॉ जो है दैट इज लेंस लॉ. लेंस लॉ ठीक है. फैराडेज लॉ जो है इसके दो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट नंबर टू एंड स्टेटमेंट नंबर वन. फाइन, लेंस लॉ का एक ही स्टेटमेंट ओनली वन. ये फैराडेज लॉ जो है ये बेसिकली आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं. इंड्यूस्ड EMF के मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देंगे. फाइन, ऑब्वियसली लेंस लॉ जो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में बताते हैं. ओके फाइन, सो अभी हम देखेंगे व्हाट इज दिस फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड व्हाट इज दिस लेंस लॉ. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे फैराडेज लॉ. फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. उसमें से पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ. देखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं. फाइन, फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहते हैं अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट है, इफ वी आर हैविंग ए क्लोज्ड सर्किट एंड इस क्लोज्ड सर्किट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स is changing, magnetic flux is changing, okay, then kya hoga, there will be an induced current in the circuit, okay. And that current will be there. There will be current in the circuit and it will last as long as the flux change is taking place. Flux change is taking place. Okay, and the phenomenon, obviously this phenomenon is known as electromagnetic induction, and the phenomena is called electromagnetic induction. So what I could इसमें से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दिस इज एक्चुअली इट इज नथिंग, इट्स एक्सैक्टली द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन है बेसिकली. ओके दिस इज नथिंग, इट्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ जो कह रहे हैं. ऑलराइट, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे द सेकेंड वन, दैट इज द सेकेंड लॉ.
देखते सेकंड लॉ क्या कहते हैं। सेकंड लॉ इज गिविंग द आइडिया एग्जैक्टली एज आई टॉक अबाउट फैराडेज लॉ, जो बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया बताते थे। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो फैराडेज फर्स्ट लॉ ये बताया आपको व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सेकंड लॉ आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहे हैं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, अगर मॉडुलस ऑफ एप्सिलॉन अगर मैं मेंशन कर रहा हूं, सो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी बाई डी टी ऑफ फाइ सफिक्स बी होंगे, डी बाई डी टी ऑफ फाइ सफिक्स बी। सो व्हाट दिस गिव्स द स्टेटमेंट इज द magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux is equal to the rate of change of magnetic flux rate of change of magnetic flux okay so that is the statement and this is the mathematical expression for that so that is Faraday's law of electromagnetic induction law 1 and law 2 okay ab hum dekhenge what is Lenz law so here comes Lenz law Lenz law ka statement ye hai the direction of induced current the direction of induced current is such that यानी कि induced current का जो direction ऐसा होगा such that it opposes it opposes the cause which produces it that is it opposes the change in magnetic flux this is the statement or iska mathematical expression ye hoga induced emf epsilon equals to minus of n times d by dt of phi suffix b where this capital N stands for the number of turns in the coil number of turns in the coil and here this is rate of change in magnetic flux ओके और ये जो नेगेटिव साइन जो है इधर ये नेगेटिव साइन आपको जो दिखाई दे रहे दिस सिग्निफाइज दैट दिस ओपोसेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसका मीनिंग है दिस ओपोसेस cause of change in magnetic flux ये नेगेटिव साइन का ये सिग्निफिकेंस है ओके मैग्नेटिक फ्लक्स ये नेगेटिव साइन का ये सिग्निफिकेंस है फाइन सो दैट इज लेंस लॉ अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंस लॉ ओके एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंस लॉ
explanation of लेंस लॉ, ठीक है। सो लेंस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन इनटू डी बाय डीटी ऑफ फाइ सफिक्स बी। ओके, दिस वाज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसका एक्सप्लेनेशन पे अगर हम जाते हैं, देखिए, सो आई एम गोइंग टू हैव फोर डायग्राम्स हियर, सो लेट मी of four divisions here। देखिए ये मेरा कॉइल है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर दिखाया इधर, सो ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ द कॉइल। और आप देखिए ये बार मैग्नेटिक, ये नॉर्थ, ये साउथ। सो अभी मेरा जो नॉर्थ है इसके पास आ रहा है, फाइन। So, ये जो नॉर्थ पोल कोइल के पास आएंगे, आपको पता है कि ये जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इस फेस के तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, फाइन। अब इसको अपोज करना मींस ये जो पोर्शन होगा, ठीक है, इधर एक हम अज्यूम कर लेते एक वर्चुअल नॉर्थ पोल इधर है, ऑब्वियसली इधर एक साउथ होगा, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में आपस में क्या होंगे, रिपल्शन होंगे, फाइन। सो इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये जो नॉर्थ जो मेरे पास जो आ रहा है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपोज कर सकते हैं। अब लेंस लॉ के जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड करंट का, करंट को मैं कैसे डायरेक्शन देने वाले, आप देख लीजिए। मैंने मेरा पहला लेक्चर्स में मैंने पहले आपको कह चुका हूँ, अगर आपके पास एक लूप है, उस लूप के फेस में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट है, दैट मींस वो जो फेस होगा वो नॉर्थ होगा, और आपके लूप में आप जब आप देखते वक्त अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अगर दिखाई दे रहे, दैट मींस वो क्या होंगे, वो होगा साउथ पोल, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका कॉइल का फेस, ठीक है, दिस इज द फेस ऑफ द कॉइल, और ये जो कोयल का जो फेस में आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि भाई ये जो है नॉर्थ पोल बने रहे, फाइन। तो इसके लिए देखिए आप, ये आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्शन इधर, सो ये आपका एक्सिस ऑफ द कोयल, ठीक है, और आप देखिए ये नॉर्थ एंड साउथ, फाइन। अब आप जब नॉर्थ पास आएंगे, रिपल्शन चाहिए इधर से, ये जो फेस इसको रिपेल करना चाहिए, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कोर्स है, वो कोर्स क्या है, वो कोर्स है कि आपका नॉर्थ पोल जो है किस तरफ आ रहा है, इस फेस की तरफ आ रहा है। सो ये फेस उसको रिपेल करना चाहिए, इस फेस रिपेल करने के लिए इधर चाहिए नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ होना चाहिए रिपल्शन के लिए, और ये फेस क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। इस फेस में नॉर्थ चाहिए मीन्स इस इधर करंट का डायरेक्शन होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, समझा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा करंट का डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा होता, इफ द नॉर्थ पोल वाज मूविंग अवे, उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए आप, देखो दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल, देखिए दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये दूर जा रहे हैं, तो हम इधर क्या हमारा प्रेफरेंस क्या रहेगा, इसके बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, राइट, अट्रैक्शन चाहिए मींस ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए साउथ, ये होना चाहिए नॉर्थ, साउथ होना चाहिए मींस इधर करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज इस फेस में, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होना चाहिए इसके बेसिस पे, राइट, तो होगा ऐसा, ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। थोड़ा सा और एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, अभी हम बार मैग्नेट का पोलैरिटी को चेंज करके देखते हैं, ओके, ऐसे देखो ये आपका कॉइल, ये देखिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका कॉइल का एक्सिस,
ये देखिए ये साउथ नॉर्थ, अब हम मूव करा रहे हैं साउथ ईस्ट तरफ, साउथ ईस्ट कमिंग। और अभी इधर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिपल्शन, ये रिपेल करना चाहिए बिकॉज कोस जो है साउथ पोल कोइल के पास आ रहा है, दैट इज द कोस। सो रिपेल करने के लिए हमें इधर चाहिए साउथ और हमें इधर चाहिए नॉर्थ। साउथ चाहिए मीन्स पहले हमने डिस्कस कर चुका हूँ जिस फेस की तरफ है उधर क्लॉकवाइज होना चाहिए, दैट मीन्स करंट डायरेक्शन ऐसे हुआ। जब आपके साउथ दूर जा रहे होंगे देखो कैसे होगा, देखिए ये हो गया एक्सिस, कॉइल का एक्सिस ये हो गया, साउथ नॉर्थ दूर जा रहे हैं फाइन। और हमें इधर क्या चाहिए, हमें चाहिए अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन चाहिए बिकॉज कोस बोले तो दूर जा रहे हैं, दैट इज द कोस। अट्रैक्शन चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए मीन्स इधर क्या होना चाहिए नॉर्थ, ये होना चाहिए साउथ। नॉर्थ चाहिए मींस क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज इधर। देखिए तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। सो इस तरीके से हम लेंस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके।